नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। आज दिन भर की बड़ी खबरों में हम बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा लीक पर। सीएम योगी ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला? बंगाल में क्या कांग्रेस को मिलेगा टीएमसी का साथ? वहीं दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर क्या अपडेट्स आई हैं सामने, हम आपसे शेयर करेंगे। इससे पहले रुक करते हैं आज की तमाम सुर्खियों पर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द, 6 महीने में दोबारा होगी परीक्षा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पहली बार शामिल हुई प्रियंका गांधी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, बीएसपी के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, बीजेपी को हराने के लिए साथ आए मायावती। फर्जी कॉल पर लगेगी लगाम, अब हर कॉल के साथ पता चलेगा कॉलर का असली नाम। सुहानी भटनागर की फैमिली से मिले आमिर खान, हंसते हुए फोटो देख लोगों ने किया उन्हें ट्रोल। तो ये रही अब तक की सुर्खियां, आइए विस्तार से चर्चा करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। योगी सरकार ने रद्द की यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, पेपर लीक पर लिया बड़ा फैसला। पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक के आरोपों को लेकर जारी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी। इस बीच सूत्रों से जानकारी मिली है कि एसटीएफ की रडार में कई आरोपी हैं, साथ ही कई बड़ी गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। दिल्ली में डील डन सीट शेयरिंग को लेकर, 4 सीट पर आप तो वहीं 3 पर लड़ेगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आज दिल्ली में संयुक्त प्रेस वार्ता की और सीट शेयरिंग के बारे में जानकारी दी। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने बताया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के खाते में चांदनी चौक समेत 3 सीटें गई हैं। वहीं चंडीगढ़ लोकसभा सीट और गोवा की 2 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी उतारेगी। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वी एक्सपर्ट न्यूज। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।